अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैनमास्टर का ये वाला जो मसला है, द कैनमास्टर इंजन फेल, आप किस तरह रीसेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए आपको कैनमास्टर दोबारा इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैनमास्टर को अनइंस्टॉल करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज़, इसका आसान सोल्यूशन है, ठीक है। विद इन वन मिनट आप इसको ठीक कर सकते हो। मेरे मोबाइल का कैनमास्टर भी आप चेक करें, ठीक है, उसमें भी ये मसला आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल कैनमास्टर पर प्रेस करना है। इसको होम सेटिंग से भी ठीक करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट का जो तरीका है शॉर्ट में, ठीक है, आपने सिंपल कैनमास्टर पर लॉन्ग प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, एप्स इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करें। जब ये एप्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एप परमिशन, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अलाउड वाले ऑप्शन में जो ऑप्शन फाइल एंड मीडिया है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको डोंट अलाउ जो है नीचे वाले, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर बैक आना है, ठीक है, इसको यहाँ से स्किप कर लेते हैं। अब दोबारा कैनमास्टर जो है इसको ओपन करते हैं। तो गाइस, अब आप देख सकते हो हमारा कैनमास्टर, ठीक है, वो सेट हो गया। जो कुछ डेटा है वो भी नहीं चला गया, ठीक है, जो कुछ हमने डाउनलोड किया वो सब कुछ हमारे पास इसमें, जो कुछ हमने इसमें एडिटिंग किया है सब कुछ वैसे वापस आ गया। तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो kindly हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। अल्लाह हाफिज़।